हो? पढ़ाई कर रही हूँ। मोमो पढ़ाई कर रही है? और क्या ली हो? क्या ली हो? कॉपी। कॉपी ओली? हाँ कॉपी है। ये बहुत पुराना है, ये स्क्वायर और डायमंड शेप में सब है। मेरी बेटी चटनी बना के रख दी है, काफी पुराना है, जब बिग बाजार से मैंने लिया था। तो ये देख देख के बच्चे बहुत खुश भी होते हैं और याद भी कर लेते हैं। इस टाइप का रखी हूँ सब, जोर जा के रख दूंगी क्योंकि मैं जल्दी कोई चीजें फेंकती नहीं हूँ। तो मोमो से छिपा के ही मैंने रखा है। ये देखिए सोमिया लेके आ रही है, दिखा। एक्चुअली इस टाइप का चीजें मैं इसलिए खरीदती हूँ क्योंकि ये बार्बी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और इसमें आपको कुछ चीज़ें जो सर्कल लिखी हुई है, रेक्टेंगल है, तो ये सब चीज़ें ना बच्चे खेल खेल में पढ़ भी लेंगे। ये हार्ट बना हुआ है तो समझाया हुआ है तो। हाँ मोमो समझा रही है। हाँ तो ये काफ़ी पुराना है, आपको ये हुलिया देख के ही लग रहा होगा। ये सब सब अलग अलग कर दिया है मोमो ने। इस सबको मैं एक जगह रख के चिपका दूंगी क्योंकि बच्ची ये बोल भी नहीं। थैंक यू। अरे बाप रे, बोल भी नहीं सकती। क्या दूं? कुछ क्या? कुछ ये है कुछ। कुछ लगाइए पलक दीदी। हाँ पेंट लगाइए। हाँ बैठ के मटर मम्मी मामा कर लो। देखो मैंने पेंट कर लो। तुमने किया है? हाँ मैंने। तुमने झूठ बोल रही हो मामा। ये देखो पेंट कर ले मामा का मैं इतनी मोटे है। तुमने तो नहीं किया है पेंट? नहीं। हाँ मैं कर ले खोले अब दिख रही है। सोने दिया अब सोने दिया। बाबू खा लो चोको। चोको खा लो। चोको खा लो। मागो 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 कहाँ है? मागो बाके मागो गोना। बाबू गिर गया। बाबू रख दूँ? नहीं रख दूँ नहीं। इसमें भी बैठ ही नहीं है। चल ठीक है। गुड मॉर्निंग। और अभी गुड मॉर्निंग का समय नहीं है, 9 बजने वाला है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए। बच्चे पढ़ रहे हैं, मोमो शैतानी कर रही है, कुछ इसकी पुरानी जो काफ़ी पुरानी रेक्टेंगल और ये सब का कुछ बुक है जो उसको उसने एक अलग अलग कर दिया है, फाड़ दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी। और काफ़ी पहले मैंने वो लिया था, बिग बाज़ार से लिया था। अभी अभी मैं बर्तन धो के आई हूँ तो आप लोगों से सोची कि थोड़ा सा मुलाकात कर लूँ। काफ़ी दिन पर ब्लॉग बनाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। आज है मंगलवार तो थोड़ा बहुत आज बनाऊँगी और देखती हूँ कल बना पाऊँ तो। अब बर्तन ठंड है भाई, हाथ में ना ठंड लग रही है। और हल्का सा अभी शाम को घर में बैठे बैठे हल्का सा लिपस्टिक लगा लिया है। हल्का भी लिपस्टिक लगा लेने पे चेहरा देखिए कैसा हो जाता है ना, ऐसे जो है मतलब नहीं लगाने पे ना वही चेहरा एकदम उदास उदास सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा घर में पोत लो तो चेहरे का रौनक आ जाता है। मेरी मम्मी वही दिखा रही है बुक, सब लेके बैठी है। आज मुझे खाना, आप लोग जानते हैं कि रात को मैं तो बहुत कम ही बनाती हूँ, लेकिन आज सच में मुझे बहुत कम खाना बनाना है। एक्चुअली केस गए हैं
मेरे ससुराल, मेरे ससुराल नहीं, वो अपने घर गए हुए हैं, ससुराल गए हैं। मैंने काफ़ी पहले वीडियो में बताया था कि शादी लगी हुई है हमारे हमारे घर में ही, खास अपने ही घर में लगी हुई है, पर हम नहीं जा पाएंगे। मतलब मैं नहीं गई इसलिए क्योंकि सोम्या का एग्ज़ाम चल रहा है और एकदम मीड में ही है, इसके भी सारी एग्ज़ाम मतलब 25-26 तक एग्ज़ाम चलेगी, प्राइवेट हर स्कूल का तो सबको पता ही है, जिसके चलते मतलब मैं नहीं जा पाई। तो वो कुछ ही फंक्शन अटेंड करेंगे, जैसे तिलक शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाएगा, मतलब कल तिलक है तो कल वो पहुँचेंगे, और 19 तारीख से 25 को शायद शादी है, 25-26 ऐसे कुछ, तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, उतना उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलेगी, और कॉपी चेकिंग या बहुत सारे काम जो है वो रहते हैं, तो हम लोग नहीं जा पाए, कोई बात नहीं है, फोटो देख लेंगे या वीडियो देख लेंगे, तो इसलिए खाना मुझे कम बनाना है। अभी अभी थोड़ी देर पहले दोनों बच्चे जो है सोम्या और पलक खाए हैं, क्या बोलूँ, पलक भी दिखे इन लोगों को, तो लेके आई हूँ शाम का हल्का फुल्का नाश्ता। और मैं क्या करूँगी, मुझे इतना सब्जी भी है लेकिन मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे देखती हूँ पलक खाएगी तो उसके लिए पराठा या रोटी बना दूंगी, और मैं मटर है तो मटर वही फिर से मटर को फ्राई करेंगे, अभी सीजन है, मुझे मटर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बस छीलने में थोड़ा सा आलस लगता है, मटर छीलूंगी और नहीं तो चूरा भूनूंगी तो भूनूंगी, नहीं तो फिर रोटी सब्जी खा लूंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ, पलक के लिए बनाऊंगी तो खुद बना सकती हूँ। देखो मेरी बिटिया रानी क्या कर रही है, मम्मू को मैंने शैम्पू करके नहलवाया था बाल धो के, अभी मैंने शाम को तेल भी लगा दिया है बाल में, और मम्मू के बाल भी बहुत सुंदर गुड़िया जैसे लगते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने इनको फ्रिज में नहीं रखा है। सुबह के हो रहे हैं 7। और मैं अकेले ही चाय पीने बैठी हूँ। अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम भिखारी हो क्या रहेंगे? मम्मू क्या खा रही हो? मैं भिखारी लगता हूँ लेकिन मैं भी खा रही हूँ। अरे बाप रे बाप, एक भी सुनूंगा आप अंकल, आप मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर में ड्राइवर साहब की जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, वो लंबी वाली गाड़ी आपकी है ना? मुताबला मुताबला की जा ड्राइवर के साथ बैठा। कछुआ कछुआ कैसा लग रहा है? वाओ, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं छूती हूँ। हमारे पड़ोस में एक है, वो ये रखी हुई है, इसको मैंने रिकॉर्डिंग किया है, निकाल देखो, ये गोल गोल घूम रहा है। तब मैं अच्छा छुओ, मैं नहीं छूंगी, बच्चे भी मेरे छुओ। मौसी के पास रहता था पता है, ढेर सारा छू लिए थे। छू लिए तुम खा लो, हाँ हमने तुमको नहीं उसका तो ठीक है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा खिला दे रहे हैं, ठीक है।
क्यों करेंगे? मुझे पता नहीं, हाथ पैर तोड़ के भी लाने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, पर बहुत टेंशन में थे। लड़की नहीं तो जायदाद चली जाती। कैसी जायदाद? किसकी जायदाद? मैं इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ सर, वो गुंडे नहीं है, इंडियन उसके फ्रेंड की कंपनी में काम करने वाले। चाहो तो आधार कार्ड दिखा सकता हूँ सर, मेरे छोटे बच्चे हैं। अरे चलेगा, चले काम से चलेगा। इसका मतलब लड़की की प्रॉब्लम उसके पापा है, इसीलिए शायद। ऐसी परिस्थिति में इंडिया जाना ठीक नहीं होगा। इस वक्त तुम्हारी परेशानी से ज्यादा तुम्हारी जान की हिफाजत है। मेरे राज्य में प्रजा परेशानी में हो तो मैं बैठ नहीं सकता। माँ की मौत, उसका इंडिया आना और यहाँ एक्सीडेंट होने तक सब कुछ भूल गई है। हर ब्रेन इज 100% परफेक्ट हेल्थ। और किसी को लेना है? नहीं, मैं अपने लिए बना लूं। नहीं मम्मी, मत बनाओ हमारे लिए। ठीक है, हम अपने लिए बना लेते हैं। एक्चुअली ये पूरियां मैं बना रही हूँ सुबह के खाने की, क्योंकि किस नहीं है तो हम लोग यही खाएंगे, चावल दाल नहीं खाएंगे। बेटे ने बोला रोटी बना दो, तो मैं बोली चलो पूरियां बना देती हूँ। तो आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ कल के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्जी कैसे बनाया है पलक? अच्छा।